माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को सम्मानित किया जाएगा। मेरी गुजारिश रहेगी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो कृपया मंच पर आए, और साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से भी कि वो भी साथ ही मंच पर आए। हिमाचल महासभा के पदाधिकारी उनका अभिनंदन करेंगे, संस्था की ओर से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सतीश शर्मा जी अध्यक्ष हिमाचल महासभा, श्री राकेश दत्ता जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री एमपी अग्निहोत्री जी मुख्य संरक्षक, श्री भागीरथ शर्मा जी महासचिव संस्था के, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे, और साथ ही माननीय सांसद जी को सम्मानित करेंगे श्री वीके बाली जी, श्री एस एस डोगरा जी और श्री प्रीति सिंह जी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उनका स्वागत। डॉक्टर सतीश शर्मा जी, श्री राकेश दत्ता जी, श्री एमपी अग्निहोत्री जी और भागीरथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया जा रहा है हिमाचल महासभा की ओर से। माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी को सम्मानित कर रहे हैं श्री बीके वाली जी, डॉक्टर जीडीएस राणा जी, संरक्षक श्री डोगरा जी और संगठन सचिव श्री कृति सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे बीच रहेंगे, मेरी गुजारिश है, और वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करेंगे और संस्था की स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे पीजीआई के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर जगतराम जी को, मैं बड़े आदर से उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे पद्मश्री डॉक्टर जगतराम जी निदेशक पीजीआई। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे बीबीएम चंडीगढ़ के चेयरमैन श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी को, मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बी के कोठियाला जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे, वे भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। बाबा शेख फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर जी भी हमारे बीच में आए थे, और अब हिमाचल महासभा द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन करेंगे अपने कर कमलों से। स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं। हिमाचल के कहानीकार हैं, बैजनाथ से हैं सागर सिंह भूरिया, उनके कहानी संग्रह असली वारिस का भी माननीय मुख्यमंत्री जी विमोचन करेंगे। उनसे भी गुजारिश है कि तुरंत अपना संग्रह लेकर के मंच पर आए। श्री सागर सिंह भूरिया जी, उनके संग्रह का, कहानी संग्रह का विमोचन।
पीजीआई के प्रशासक श्री अमिताभ अवस्थी जी भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें भी सम्मानित करेंगे। श्री अमिताभ अवस्थी जी, पीजीआई के प्रशासक श्री अमिताभ अवस्थी जी को सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। एक सामूहिक चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ पद्म श्री डॉक्टर जगतराम जी को, श्री कोठियाला जी को, श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी को। पंजाब और चंडीगढ़ के संगठन मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, उनका भी अभिनंदन। उन्होंने अपना जीवन का अपने सिद्धांत बनाया है, अपने जीवन में उतारा है। तो सबसे पहले प्रेरक पुरस्कार देने दिया जा रहा है महासभा की तरफ से श्री किशोरीलाल दियोल विलेज पुना, वो अपने परिवार के साथ कृपया मंच पर आए और पुरस्कार प्राप्त करें। अगले उद्यमी पुरस्कार के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री छोटू राम शर्मा जी, अपने परिवार के साथ ये पुरस्कार जो है उद्यमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। प्रेरक पुरस्कार जो है वो है श्री किशोरीलाल दियोल जी को, और स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार बाबू कांशीराम और श्री गौरी शंकर जी की याद। दूसरा पुरस्कार है उद्यमी पुरस्कार श्री छोटू राम जी को, जो कि बहुत जो कि तीसरा पुरस्कार है मानवता पुरस्कार जो है वो मदन लाल जी विशिष्ट, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको दिया गया है। दिस पुरस्कार इज अवार्डेड इन द स्मृति ऑफ कुल देवता सिद्ध बाबा श्री बालकनाथ जी। चौथा पुरस्कार दिया जाता है खेल रत्न अवार्ड, वो अवार्ड है हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन को, जो कि एमएस अंजुल मोदगिल जी हैं। वो आज अपने मेडल लेने के लिए आ नहीं सके, वो कहीं भी किसी मतलब विशेष समय में आमंत्रित हैं, तो उनके पिताजी और माताजी आए हैं अंजुम मोदगिल।
वो इस पुरस्कार को उनके स्थान पे प्राप्त करेंगे। दिस पुरस्कार इज अवार्डेड इन द सिटी ऑफ लेट श्री सुरेंद्र कुमार दत्ता एंड हिज फैमिली। शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो डॉक्टर प्रियंका जी को जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हैं और बहुत पुअर फैमिली से हैं। शी हैज पास हर एमबीबीएस फ्रॉम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी इन 2016। और ये पुरस्कार जो है वो लेट दयाराम शर्मा जी की याद में दिया जा रहा है। तो दयाराम जी की फैमिली भी डॉक्टर प्रियंका के साथ डायस के हैं। डॉक्टर प्रियंका प्लीज स्टेज पे आए। प्रियंका जी नहीं आ पाई हैं तो उनके पिता श्री उनका सम्मान लेने के लिए कृपया स्टेज पे आए। शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो दो व्यक्तियों को दिया गया है, तो डॉक्टर प्रियंका जी को, और नेक्स्ट जिनको दिया गया है वो आते हैं डॉक्टर करमचंद जी, डिस्ट्रिक्ट ऊना से हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह उनकी याद में श्री सुहास पहाड़े जी जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और पुरस्कार जो है वो डॉक्टर करमचंद जी। सेवन योगा योद्धा पुरस्कार, योगा योद्धा पुरस्कार मिस्टर रमन कुमार जी को जाता है जो कि बिलासपुर से हैं। दिस पुरस्कार इज अवार्डेड इन द स्मृति ऑफ श्री बचित्र सिंह राणा एंड श्रीमती प्रीतम जी। ये सभी लोग आ सकते हैं स्टेज पे पुरस्कार ग्रहण करने। आठवां पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता पुरस्कार, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं जनशक्ति प्रेस क्लब के श्री जसवंत राणा जी, उनको दिया जा रहा है। जसवंत राणा जी कृपया आपके परिवार के साथ आए। श्री बी आर शर्मा जी की याद में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के महासचिव भी हैं जसवंत राणा जी, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए। धन्यवाद सर।